दिस इज़ योर अकाउंट्स मेंटर कशिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सक्सेस। आज हम करने वाले हैं गुडविल का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने ओवरव्यू एंड माइंड मैप देखा था, पार्ट 2 में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड को अच्छे से समझ लिया था, एंड दिस इज़ पार्ट 3 जिसमें हम मेथड नंबर 2 यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड को समझने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर बेहद आसान है। हम कैसे कैसे इस चैप्टर को कर रहे हैं कि मेथड पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, और ऐसे करते करते नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता होगा? सुपर से आप क्या समझते हो? जो नॉर्मल से थोड़ा ऊपर हो। सुपर कौन होता है? जो कि नॉर्मल पर्सन से थोड़ा सा ऊपर होता है उसको हम सुपर बोलते हैं, है ना। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमें इससे गुडविल निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तो हमने पहले भी किया था, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसी तरीके से सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तो सही है, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में दिया होता है, बट ये सुपर प्रॉफिट कहाँ से आएगा, इसको कैसे निकालना है? अब देखो, सुपर क्या होता है, जो नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर होता है, नॉर्मल से ऊपर होता है, यानी कि जो ऊपर वाला है एवरेज में से नॉर्मल हटा दो तो पता चल जाएगा कितना सुपर है ना। जितना उनको एवरेज, कोई भी बिजनेस है, जितना उसको एवरेज प्रॉफिट हो रहा है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट हटा दो, जितना नॉर्मली लोगों को होता है, तो सुपर वाला पता चल जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना आता है, कैसे निकालते हैं कि सारे प्रॉफिट्स को ऐड करके अपॉन में टोटल जितने भी सालों का प्रॉफिट है, बट ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो इसको निकालने का फॉर्मूला ये है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये दिया होता है क्वेश्चन में, अपॉन में 100। ऐसे हम निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ना दिया हो तो इसको कैसे निकालना है? ये होता है हमारा टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। समझ आया आप लोगों को कैसे ये फॉर्मूला फ्रेम हुआ? देखो, फॉर्मूला तो सिर्फ इतना सा है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, बट अगर सुपर प्रॉफिट नहीं दिया तो निकालोगे वो ऐसे निकालोगे, एपी माइनस एनपी यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बट अगर नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं दिया तो उसको भी निकालोगे, कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया तो उसको भी निकालना पड़ेगा, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो ये सबको मिला के ऐसा फॉर्मूला बनता है हमारा, सुपर का ये फॉर्मूला, नॉर्मल का ये फॉर्मूला, कैपिटल का ये फॉर्मूला, मैंने सारे एक ही जगह पर लिख दिए। गॉट इट? अब आप लोग फटाफट से इन फॉर्मूलाज को नोट कर लो, फिर हम इसे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। चलो, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि इस मेथड को हमें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, लेट्स रीड फर्स्ट क्वेश्चन। अ फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 3 ईयर्स वर। देखो, एक फर्म ने पिछले 3 सालों में इतना प्रॉफिट कमाया, पहले साल में इतना, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना, ये 3 सालों का प्रॉफिट हमें गिवन है। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म इज 60,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड बात एक ही होती है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरीके से ये 60,000, अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एनआरआर कितना है इनका 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, हमें क्या निकालना है? गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों का सुपर प्रॉफिट लेकर, एवरेज सुपर प्रॉफिट लेकर और 3 साल NYP रखकर हमें निकालना है, NYP यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में मैं लिख लेती हूँ सारी चीज़ें जो जो हमें गिवन है। ठीक है, प्रॉफिट्स तो यहीं पे ही हैं, बाकी चीज़ें लिख लेती हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है 60,000। ठीक है, NRR कितना दिया हुआ है 10%। उसके बाद NYP नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है 3 ईयर्स। उसके बाद एवरेज कितने सालों का निकालना है, एवरेज सुपर प्रॉफिट 3 ईयर्स का निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं आप इस क्वेश्चन में बोला गया गुडविल निकालने के लिए, ठीक है, अगर हम गुडविल निकालते हैं तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास है 3 ईयर्स, बट सुपर प्रॉफिट तो नहीं है। अब सुपर प्रॉफिट को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट तो चलो निकाल लेते हैं फटाफट से। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं इसको, फर्स्ट टू थ्री तीनों को ऐड करके अपॉन में थ्री कर देंगे। कैसे करेंगे, 18, 20, 22 तीनों को ऐड करके अपॉन में थ्री, तो 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 अपॉन में थ्री, सबको मैंने ऐड कर दिया 0, 0, 0, 2 और 8, 10, 1, 2, 4, 6, 60,000 अपॉन में थ्री यानी कि 20,000। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट की, इसको भी निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता था, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है हमारे पास, इंटू NRR कितना है 10 अपॉन में 100। इसको सॉल्व कर देंगे कितना आंसर आ जाएगा 6,000। ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट, वही तो चाहिए था, तो इन दोनों को माइनस कर लो कितना आ गया 14,000। ये हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट। अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो सुपर प्रॉफिट भी मिल गया, NYP भी था। अब गुडविल हम निकाल सकते हैं, देखो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 14,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, इसको करते हैं 0, 0, 0, 3, 4, 12, 1, 3, 1, 3, 4, 42,000 जो है हमारी गुडविल आ चुकी है। समझ आया आप लोगों को कैसे करना होता है, बस हमारा बेसिक फार्मूला तो यही है, बट इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। जैसे सुपर प्रॉफिट नहीं था तो हमने निकाला, अब उसके अंदर मान लो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं था तो वो भी निकाला। अब नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता तो उसको भी कैलकुलेट करना पड़ता ना, दैट्स वाई हमने वो फार्मूला लगाया जो मैंने सारे फार्मूले बताए थे, ठीक है। तो जिस जिसकी नीड होगी वो हम यूज़ करेंगे। ये वाला क्वेश्चन एकदम सॉर्टेड है, इसको नोट डाउन कर लो। चलो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन और समझते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में क्या न्यू है जो हमें सीखने को मिल सकता है, ठीक है। एवरेज अर्न्ड प्रॉफिट बाय फर्म इज 75,000, यानी कि फर्म जो एवरेज प्रॉफिट कमाती है वो 75,000 है। एवरेज प्रॉफिट कितना है 75,000, विच इंक्लूड, इस प्रॉफिट के अंदर क्या इंक्लूड है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अभी कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग की क्लोजिंग, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम क्लोजिंग मानेंगे। अब यहाँ पे अच्छी सी बात लिख लो, हाथ बना के लिख लो कि यहाँ कुछ नहीं लिखा तो क्लोजिंग मानो, ठीक है। जब भी कुछ मेंशन नहीं होता तो हम क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं, तो ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है तो ऐड करते हो कि लेस करते हो, फटाफट बताओ कितना है 5,000 ऑन एवरेज बेसिस। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 7 लाख, कैपिटल भी दे दिया हमें कितनी 7 लाख, एंड NRR भी दे दिया कितना 7%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, अब गुडविल कैसे आएगी, देखो गुडविल जो है ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे निकालनी है वो 5 times द सुपर प्रॉफिट, यानी जितना भी आपका सुपर प्रॉफिट आता है उसको इंटू 5 कर दो आपकी गुडविल आ जाएगी, समझे। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी कराया था और ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये नॉर्मल से थोड़ा सा हटके होता है और होता ईजी है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है कि गुडविल निकालनी है ना, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूले से हमें मतलब ही नहीं है। इन्होंने बोला है कि जो सुपर प्रॉफिट है इंटू 5 पर तो आपकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है, यानी हमें सुपर प्रॉफिट इंटू 5 करना है, हमारी गुडविल आ जाएगी। बट बात तो ये है कि सुपर प्रॉफिट तो है नहीं। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा एवरेज प्रॉफिट तो हमें दिया हुआ है कितना 75, बट इसके अंदर 5,000 इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड होता है अंडर वैल्यूएशन। एक बात बताओ तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 75,000 तो रहेगा, अब प्लस करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है तो उसको क्या करते हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है तो उसको क्या करते हो, ऐड करते हो ना, तो यहाँ पे ऐड कर लो कितना 5,000, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया टोटल 80,000। नाउ अब बात है नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन में 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 7 लाख इंटू NRR इज 7 अपॉन में 100, इससे कैंसिल, 7, 7 जो 49,000,
ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो 80 में से गए 49, कितने बचे 31,000। अब हमें क्या करना है, गुडविल निकालनी है, सुपर प्रॉफिट आ चुका है 31,000 का, तो गुडविल बता दो कितनी हो जाएगी, 31,000 इंटू 5,000, 5×5, 5×3=15। समझ आया आप लोगों को मैंने कैसे किया इसे, देखो एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हूँ उसको हमने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले गुडविल का क्या तरीका क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या तरीका है कि सुपर प्रॉफिट जो भी आएगा इंटू 5 कर देना, गुडविल आ जाएगा। आप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो ये निकाल लिया हमने, जो भी अंडर वैल्यूएशन होता है क्लोजिंग स्टॉक का उसको ऐड कर लेते हैं, तो हमने ये निकाल दिया एवरेज। और नॉर्मल का तो फॉर्मूला ही लगाया मैंने सीधा, ये नॉर्मल आ गया। अब एवरेज माइनस नॉर्मल किया तो 31 आ गया, अब इंटू 5 किया तो इतना आ गया, और ये हमारा क्या है सुपर प्रॉफिट, सॉरी गुडविल हमारी आ चुकी है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी है गुडविल। आया आप लोगों को समझ, ये गुडविल आ चुकी है, डन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी वीडियोस को पहुंचाओ, क्योंकि अगर आप लोगों की हेल्प हो रही है ना यार, तो कोशिश करो कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सको, तभी आप लोग अपनी खुद की हेल्प कर पा रहे हो, समझ रहे हो ना। क्योंकि मज़ा अकेले पढ़ने में नहीं, कॉम्पिटिशन के साथ ही आता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ही अकेले पढ़ लूँ, बहुत गलत सोच रहे हो। थैंक यू सो मच, और ऐसे वीडियोज़ देखते रहो, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।